ये पेपर का क्यूबॉइड एक बहुत ही सुंदर एजुकेशनल मॉडल है। इसकी सहायता से आप बहुत ही आसानी से सरफेस एरिया और वॉल्यूम के कंसेप्ट को बहुत इजीली समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी सरफेस पे इक्वल साइज़ के छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं। अगर आप इन सारे स्क्वायर्स को काउंट कर लें जो इसकी सरफेस पे बने हुए हैं, ऊपर 12 बने हैं और ऐसे ही नीचे 12 बने हैं और किनारे 6 और 6 और ब्रेथ की साइड पे तीन तीन स्क्वायर बने हुए हैं, तो टोटल स्क्वायर अगर हम काउंट कर लें तो ये हुए 38 स्क्वायर हुए, यानी इसका सरफेस एरिया हो गया 38 यूनिट स्क्वायर्स। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने क्यूब्स आ सकते हैं। जितने क्यूब्स इसमें आ सकते हैं उतना क्यूबिक यूनिट इसका वॉल्यूम हो जाता है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक A4 साइज़ की शीट, स्केल, टेप, ग्लू, सीजर वगैरह। अब आप इस A4 शीट में से एक स्क्वायर कट कर लीजिए। स्क्वायर कट करने के लिए इसकी लेंथ को इसके ब्रेथ के ऊपर रख के बराबर कर लीजिए और जो एक्स्ट्रा शीट है उसे आप कट करके हटा दीजिए, तो आपको एक स्क्वायर मिल जाएगा। अब स्क्वायर को एक बार हाफ फोल्ड कीजिए, फिर इस हाफ को दोबारा से हाफ फोल्ड कीजिए और हाफ करने के बाद में फिर इसको दोबारा एक बार और हाफ फोल्ड कर दीजिए इस तरीके से। तो ये जो स्क्वायर पेपर है इसमें 8 स्ट्रिप्स बन जाएंगी, 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। दूसरे तरफ से भी इसको इसी तरह से कीजिए, 3 बार इसको हमें फोल्ड करना है और जब भी फोल्ड करें तो इसकी क्रीच को आप एक बार अपने नेल से दबा दें ताकि वो शार्प हो जाए इसकी क्रीच। और ये तीसरी बार भी हमने फोल्ड कर दिया तो दोनों तरफ से 8 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। कुल मिला के इसमें 64 छोटे छोटे स्क्वायर्स बन गए हैं हमारी शीट पे। अब इसके जितनी भी क्रीचेज हैं उनको आप नेल से शार्प कर लीजिए ताकि आपका मॉडल सुंदर दिखाई दे, उसके फोल्ड्स बहुत ही अच्छे दिखाई दें। इस तरीके से सारे फोल्ड्स को आप प्रेस कर दीजिए नेल से। अब ये देखिए, ये सारे स्क्वायर्स बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में आप ऊपर और नीचे की जो आपकी स्ट्रिप है 8-8 स्क्वायर की, उसमें से पहला और पांचवा, फर्स्ट और फिफ्थ स्क्वायर को आप कट कर लीजिए। कट करके निकालना नहीं है, बस किनारे की लाइंस को उनको आप कट कर लीजिए ताकि वो दूसरों से सेपरेट हो जाए, फर्स्ट और फिफ्थ दोनों तरफ के। इसके बाद में आप इसको फोल्ड कीजिए मॉडल को और ऊपर का और नीचे का जो स्क्वायर हमने काटा था उसको छोड़ करके बाकी पूरे मॉडल को हमें क्लोज कर देना है। इस तरीके से आप एक ही टेप से पूरा कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि ऊपर का और नीचे का स्क्वायर नहीं हमें बंद करना है। इसके बाद में मॉडल को बीच में से खोलिए और इसके जो ऊपर के जो हमने स्ट्रिप में से काटे थे स्क्वायर्स वो अब फ्लैप का काम करेंगे। आप इनको अंदर मोड़ दीजिए और थोड़े से ग्लू से इसको चिपका दीजिए। इस तरीके से स्केल से आप दबा दीजिए ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। ऐसे ही ऊपर वाले फ्लैप्स को भी आप चिपका दीजिए और ये आपका क्यूबॉइड का मॉडल तैयार हो गया है और इसको आप स्कूल में प्रोजेक्ट के तौर पे जमा कर सकते हैं।